मैं महाविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री अनूप पांडे जी से आग्रह करता हूं कि स्मृति चिन्ह द्वारा अतिथियों का सम्मान करने की कृपा करें। पांडे जी, अतिथि देवभव की परंपरा का निर्वहन प्रतिवेदक द्वारा होता हुआ इस मंची शाश्वत परंपरा के पश्चात उद्बोधन हेतु विषय विशेषज्ञ मैं कार्यक्रम अध्यक्ष प्रतसुधन पौडेल जी से सादर आग्रह करता हूं कि आप उद्बोधन से हम सभी का पाथे प्रदान करें। आदरणीय पौडेल जी, ओम सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय के संयुक्त आयोजन में हो रहे इस भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक कार्यक्रम का सह अध्यक्ष आदरणीय नेपाल के जाने माने इतिहासविद, इतिहास के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय में से सेवानिवृत्त आदरणीय प्रोफेसर राजाराम सुवेदी एवं अत्र मंच में आसीन मेरे सहकर्मी मित्र नेपाल के लेखक पत्रकार नवीन बन्धु पहाड़ी जी एवं अत्र मंच में उपस्थित मित्रों जो भारत देश से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उद्घोषक महोदय और इस सभागार में उपस्थित नेपाल से आए हुए हमारे मित्र अतिथिगण एवं इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कर्मचारी और छात्र छात्रा सभी को मैं नेपाल की ओर से, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बुलाकर जो आतिथ्य प्रदान किया, अपना विचार रखने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञता और आभार भी व्यक्त करता। मेरा कुछ विचार शायद अगले दिन, आगे दिन में तो कल भी है, इस कारण मैं अभी संक्षिप्त रूप में अपना विचार रखना चाहता हूँ। भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंध जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में हम कल से, कल उद्घाटन सत्र हुआ, उसके बाद प्रथम और द्वितीय सत्र भी हुए, हम दोनों सत्र में बैठकर उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और आज ही दो सत्र संचालित होंगे। ये तृतीय सत्र है और इसके बाद चतुर्थ सत्र होगा और कल भी पंचम सत्र होगा और समापन समारोह होगा। इन सब सत्रों में बैठकर हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन यह
अत्यंत सुस्पष्ट विषय है कि नेपाल और भारत के बीच में सांस्कृतिक अंतरंग संबंध सदियों से, संभवतः वैदिक काल से उपनिषद काल और उससे स्मृति काल, पौराणिक काल और आधुनिक काल तक बहुत लंबे अरसे से यह संबंध अनवरत रूप में समरस, एक निरंतर नदी के प्रवाह जैसे यह संबंध बहता चला आया है और रहा है और भविष्य में रहेगा भी, इसमें कुछ संदेह नहीं। लेकिन संबंधों में, संबंध क्या होता है कि संबंधों में कभी कभी कुछ कुछ कारणों से, जैसे पति पत्नी के संबंध हो, पिता पुत्र के संबंध हो और मित्र मित्र के संबंध हो, उसमें भी कुछ कारणों से खटुआपन, कड़वापन आ सकता है। कभी कभी वैमनस्य तो नहीं, न कहें, कुछ खट्टाई आ सकता है। कभी कभी नेपाल और भारत के संबंध में राजनीतिक कारण से कुछ रिक्तता, कुछ दिक्कतें दृष्टिगोचर होती है। लेकिन ये राजनीतिक कारण से नेपाल के और भारत के जनता के बीच में जनस्तर में जो संबंध है, वो संबंध कभी प्रभावित नहीं हुआ। हमारे प्रति, नेपाली लोगों के मन में, हृदय में भारत के प्रति अत्यंत सम्मान है और भारत के लोगों में भी हम देख सकते हैं नेपाली जन के प्रति बहुत सम्मान है, आदर है, प्रेम है और यह सच्चाई है। लेकिन मुझे एक बात आप लोगों से कहना है, यद्यपि मैं एक सामान्य प्रोफेसर हूँ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मैं यहाँ छोटा मेरा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताना आवश्यक है। मैं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राध्यापन करता हूँ, उसका अनुसंधान केंद्र है, वो अनुसंधान केंद्र में विद्यावारिधि कार्यक्रम संचालन होती है। मेरे अंदर में लगभग 300 विद्यार्थी, शोधार्थी कहें, वो विद्यावारिधि कर रहे हैं और 300 विद्यार्थी विभिन्न विषय के है। वो कोई संस्कृति विषय में कर रहे हैं, कोई संस्कृत के शास्त्रीय विषय में, हमारे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में 17 शास्त्रीय विषय है, वो 17 शास्त्रीय विषय में विद्यावारिधि कर रहे हैं और कोई आधुनिक विषय जैसे नेपाली साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, व्यवस्थापन, इन विषयों में विद्यावारिधि कर रहे हैं। और हमारे यहाँ विद्यावारिधि करने के लिए क्या है कि हमारा संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसलिए चाहे आपका आधुनिक विषय हो, चाहे आपका समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, गणित हो, अर्थशास्त्र क्यों ना हो, लेकिन उसको संस्कृत वाङ्मय से संबद्ध करना जरूरी है उसके शोध शीर्षक को। जैसे आप अर्थशास्त्र में राजनीति विद्यावारिधि कर रहे हैं तो आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र से जोड़ना होगा, या मनुस्मृति में, या स्मृति शास्त्र में अर्थशास्त्र के बारे में क्या है, पुराणों में अर्थशास्त्र के बारे में क्या है, इससे रिलेटेड करके आपको विद्यावारिधि करना, नहीं तो सपाट रूप से विद्यावारिधि नहीं हो सके हमारे यहाँ। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में कर रहे हैं तो हमारा प्राचीन राजनीति कैसा था, हमारा जब समाज है तो वहाँ कुछ न कुछ तो होता है ना, संस्कृत है। हाँ, राजनीति शास्त्र आधुनिक विषय है, ये इसका श्रृंखला पाश्चात्य जगत से संबंधित है, अभी राजनीति शास्त्र का बहुत विकास पाश्चात्य जगत में हुआ है। लेकिन क्या हमारे यहाँ राजनीति नहीं था क्या? हमारे समाज में हमारा हजारों वर्षों का जो इतिहास है उसमें राजनीति नहीं था, उसमें व्यवस्थापन नहीं था, उसमें अर्थशास्त्र नहीं था, उसमें गणित नहीं था, था अवश्य था, इसलिए उसको उत्खनन करना चाहिए। क्या था, कैसा था, इसके बारे में हमें शोध करना चाहिए। वही शोध हमारे नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हो रहा है, करा रहे हैं हम। और हमारे यहाँ एक तो विद्यावारिधि कार्यक्रम है मेरे अंडर में, और वहाँ विशेष अनुसंधान भी होती है। जैसे नेपाल में विभिन्न जाति है, विभिन्न जनजाति है, जैसे वहाँ 124 भाषा है नेपाल में, और इसी प्रकार लगभग 100 से ज्यादा जाति है, और वहाँ जाति जाति के भीतर भी बहुत पत्र पत्र है जातियों के भीतर भी, उनके बारे में, उनका अपना विशेषता है, उनका अपना सांस्कृतिक पहचान है, वो पहचान के बारे में शोध कराना।
वो विशेष अनुसंधान लघु अनुसंधान भी होता है। इसी प्रकार विभिन्न ग्रंथ है, संस्कृत के विभिन्न ग्रंथ है, उनको नेपाली में ट्रांसलेशन करना, हिंदी में ट्रांसलेशन करना, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, और अंग्रेजी के कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो उसको नेपाली में ट्रांसलेशन करना, अनुवाद कार्यक्रम वो भी हमारे यहाँ संचालित है। इसी प्रकार ग्रंथ प्रकाशन, जो संस्कृत के पौराणिक ग्रंथ है, विभिन्न ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ, जैसे यहाँ आपके यहाँ गीता प्रेस कर रहा है, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में भी वो कार्यक्रम है, इस प्रकार के ग्रंथ प्रकाशन का काम भी हमारे यहाँ होता है मेरे अंडर में। और इसी प्रकार जर्नल प्रकाशन, जैसे आपने ये मानविकी जर्नल अभी अभी इस गोष्ठी के दौरान आपने निकाला, प्रकाशित किया, उसी प्रकार जर्नल भी हम प्रकाशन करते हैं नेपाल में। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग को नेपाल के बारे में भी जानना, नेपाल भी अब पहला जैसा नहीं, वहां का समाज परिवर्तन हो रहा है, वहां का ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन से नेपाल के समाज भी प्रभावित हो रहा है, वहां के जनता के मन में, वहां के युवाओं के मन में एक प्रकार के विश्वव्यापी विचार उभर रहे हैं। इसलिए अब नेपाल और भारत के जो संबंध था, सांस्कृतिक संबंध, उसको पुनर्परिभाषित करना चाहिए, उसको नया सिरे से देखना जरूरी है। आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ जब जब राजनीति परिवर्तन होता है, नेपाल का राजनीति भी, नेपाल का अर्थतंत्र में भी उसका असर स्वाभाविक रूप में पड़ता है, क्योंकि नेपाल दोनों मुलुक, बहुत बड़े मुलुक, चीन और भारत के बीच में अवस्थित है, दो मुलुक के बीच में। हमारे बड़ा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाह जिसने यह हमारा एकीकरण किया, उन्होंने कहा था कि नेपाल दुई ढुंगा को तरुल, तरुल कहते, तरुल को क्या कहते, तरुल, तरुल दुई ढुंगा, दो पत्थर के बीच में जो तरुल होता है ना, दो पत्थर के बीच में तरुल, तरुल कोमल होता है, पत्थर कड़े होती है, तो दो ढूंगे के बीच में जो तरुल होता है उसका विकास होने में कठिनाई हो, हाँ उसी तरह नेपाल, नेपाल दो ढूंगा के बीच के तरुल है, इसलिए उसको सोच समझ कर अपना अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे बड़ा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण सहारी है, इसलिए हमारे देश ने क्या किया कि असंलग्नता का सिद्धांत प्रतिपादन, जब रूस और अमेरिका के बीच में द्वंद हुआ, भारत और चाइना के बीच में भी द्वंद हो सकता है, हाँ उसमें नेपाल किसी के पक्षधारी नहीं, उसमें नेपाल क्या 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 करेगा कि तटस्थ रूप में अपना भूमिका निभाएगा, ये जग जाहिर है, और ये हमारे अस्तित्व के लिए, ये हमारे पहचान के लिए, ये हमारे अस्मिता के लिए आवश्यक भी है। एक बार आप नेपाल बनकर देखिए, नेपाल में रह कर देखिए, नेपाली नागरिक होकर देखिए, तो आपको महसूस होगा कि नेपाल का नीति सही, नेपाल असंलग्नता में विश्वास करता है। उसी प्रकार हम पंचशील में विश्वास करते हैं, किसी से वैरभाव मत कर, पंचशील जो बुद्ध का पंचशील है, उसको उसको हमारे असम अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय नीति का अंग है, उसमें विश्वास करता है नेपाल, वो अनवरत काल से, पंचायत काल से, उससे आगे भी वही हमारा सिद्धांत था, अभी भी वही सिद्धांत है। लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे कुछ कहना तो है लेकिन मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बस दो चार बात कहना चाहूंगा। एक क्या था कि जब नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और 2062 विक्रम संवत 2062-63 में मधेस आंदोलन हुआ, उसके बाद नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और गणतंत्र स्थापना हुआ, उससे पहले भारत का नीति क्या था कि भारत का दो नीति, दो पिलर नीति था नेपाल के ऊपर। एक क्या था, बहुदलीय प्रजातंत्र और संवैधानिक राजतंत्र, बहुदलीय प्रजातंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, ये भारत का नीति था, नेपाल नीति। लेकिन जब नेपाल में मधेस आंदोलन हुआ और राजशाही का अंत होने, जब ज्ञानेंद्र राजा हुए, उसके बाद जब आंदोलन उभर गया, तो भारत का नेपाल नीति परिवर्तन, संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय प्रजातंत्र, ये नीति परिवर्तन हुआ, संवैधानिक राजतंत्र का नीति उसने बदल दिया। और जिस दिन भारत ने वो नीति चेंज किया, मैंने सोचा
मैं भी एक नागरिक हूँ, मैंने सोचा, सोचाई तो मुझे भी आती है, मैंने सोचा कि अब नेपाल और भारत का संबंध में खराब बनाए, नेपाल और भारत का संबंध बिगड़ जाए, नेपाल नेपाल का भविष्य अंधकारपूर्ण हो, मैंने यह सोचा। लेकिन उतना अंधकारपूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन लगता है धीरे धीरे यह अंधकार की ओर जाए, धीरे धीरे, क्योंकि हमारे नेपाल के जो सोच रहे हैं हम, उससे ज्यादा हमारा सांस्कृतिक क्षय हो रहा है नेपाल। जैसे वहाँ विभिन्न विधर्मियों का गांव गांव में जाना, वहाँ विभिन्न विधर्मियों का संगठन होना और उनका प्रचार प्रसार होना, ये हो रहा है। और कालांतर में क्या हुआ कि जैसे भारत में मणिपुर में हो रहा है, भारत में आप देख रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ, यहाँ का कश्मीरी पंडित को जैसे लखेट दिया गया, मणिपुर में जैसे अभी भी हो रहा है, जैसे केरल में हो रहा है, वो नेपाल में भी हो सकता है काला। इसलिए मैं तो कहता हूं कि नेपाल के प्रति भारत अधिक संवेदनशील होना चाहिए, नेपाल के प्रति भारत का नीति सुस्पष्ट होना चाहिए, यह बदलाव आने वाला नीति नहीं, स्थिर नीति होना चाहिए, यह आवश्यक है, जरूरी है। अगर नेपाल और भारत, यदि अगर भारत अपना कल्याण चाहता है, सुरक्षा चाहता है, तो नेपाल के प्रति उसका स्पष्ट दृष्टिकोण होना आवश्यक, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि बद्रीनाथ हो जयति मुक्तिनाथ साह, कहा गया बद्रीनाथ हो जयति मुक्तिनाथ साह, बद्रीनाथ हो जयति मुक्तिनाथ साह, अगर बद्रीनाथ हो जयति, बद्रीनाथ हो जयति, बद्रीनाथ का जय तब होता है और भारत का जब तब होता है जब मुक्तिनाथ साह, मुक्तिनाथ नेपाल में है, बद्रीनाथ भारत में, ये दोनों का अंतर रिलेशन संबंध है। अब इसका ज्यादा व्याख्या करना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे अंतर संबंध का बहुत बहुत कड़ी है, बहुत आयाम है, हमारा भाषागत अंतर संबंध है, हमारा लवाई खवाई बोली विचार मनोविज्ञान, और हमारा जो आंतरिक ये जो कहते हैं ना, हमारा के इंटरनल भावना है, उसमें भी हमारा सामीप्य है, इस प्रकार का हमारा खान पीन में सामीप्य है, हमारे साहित्य में सामीप्य है, हमारे लोगों के वेशभूषा में सामीप्य है, हमारे नदियों में सामीप्य है, हमारे देवताओं में सामीप्य है, हमारा नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म में सामीप्य है, हमारे संस्कार में सामीप्य है, उनका उनका तो बहुत सारे आयाम है, उसका व्याख्या बहुत सारे शोध कर सकते हैं हम हर विषय में, जैसे नित्य कर्म में कैसे सामीप्य है, नैमित्त कर्म में कैसे सामीप्य है, काम्य कर्म में कैसे सामीप्य है, संस्कार में कैसे सामीप्य है, भाषा में कैसे सामीप्य है, लिपि में कैसे सामीप्य है, बहुत शोध हो सकता है, बहुत सारे, एक दिन में नहीं, ये महीनों बहस हो सकता है, महीनों चर्चा हो सकता है। इसलिए ये सामीप्य के बारे में मैं ज्यादा ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं। तो ठीक है, हमने दो दिन से इसी का समीक्षा कर रहे हैं, और ये समीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमें आगे का दिशा तय, लेकिन हमारे समीक्षा से होने वाला कुछ, हम तो सामान्य आदमी है, हम विश्वविद्यालय के 2-4 प्रोफेसर, हम विश्वविद्यालय के 2-4 शिक्षक, हम विश्वविद्यालय के 2-4 विद्यार्थी मिलकर ये समीक्षा करें, इससे क्या हो, इससे क्या दोनों देशों के रिलेशन में, दोनों देशों के पॉलिसी में कोई बदलाव आएगा नहीं। इसके लिए हमें संगठित रूप से आवाज, इस आवाज को गोलबंद करना जरूरी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेकिन कुछ होगा, अवश्य होगा आगे दिन में, जब हम सब मिलकर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, उनको भी यहाँ लाकर बहस में उतारना, उनको भी हमारा बात सुनाना हो, इससे कुछ बदलाव जरूर आए, मैं यही कहना चाहूंगा। और कल मैं समय मिलेगा तो हमारे रिलेशन का विविध पक्ष है, उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। धन्यवाद, और मैं उद्घोषण को कार्यक्रम संचालन करने के लिए अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पापो हम सभी को।